नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक और हिस्से का काम जल्द शुरू किया जाएगा। खम्मन विजयवाड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वी वेंकटिया पलम और ब्रह्मांडपल्ली गांव के बीच पहले पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी। नेशनल हाईवे 163G पर खम्मन विजयवाड़ा के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 983.80 करोड़ रुपये है, जो कि 405 किलोमीटर लंबी नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसे हाइब्रिड एनवेटी मोड के तहत बनाया जाएगा। इस 29.92 किलोमीटर फोर लेन के निर्माण के लिए 983.90 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत किया गया है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बन जाने से यात्रा के समय में काफ़ी कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच हाईवे सुविधाओं के साथ दक्षिण में पोर्ट कनेक्टिविटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जाएगा। इस ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जाएगा, जिससे माल ढुलाई के आसान और पोर्ट कनेक्टिविटी के माध्यम से निर्यात को बढ़ाया जा सके। यह हाईवे खम्मन जिले में 60 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 30 किलोमीटर होगी। एक बार पूरा होने पर विजयवाड़ा से खम्मन तक केवल 60 से 70 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। साथ ही मंचेरियल और वारंगल के बीच 108 किलोमीटर लंबा 4-लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के लिए भी 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का टोटल एस्टिमेट कॉस्ट 14,666 करोड़ रुपए है। यह 4-लेन हाईवे, जिसे 2027 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, इसे 3 पैकेजों में कंप्लीट किया जाएगा। पहले पैकेज में मंचेरियल से वारंगल 112 किलोमीटर, सेकंड पैकेज में वारंगल से खम्मन 108.24 किलोमीटर और थर्ड पैकेज में खम्मन से विजयवाड़ा 89.42 किलोमीटर बनाया जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।